कल 6 मई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी बिहार के दौरे के क्रम में 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उसमें से 2 स्थान सीवान जिले का होगा। सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीवान शहर के गांधी मैदान में अमित शाह जी की सभा कल आयोजित की गई है और दूसरी सभा जिले के बसंतपुर प्रखंड में बसंतपुर मुख्यालय पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का आम सभा आयोजित किया गया है। इन दोनों जनसभाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और देश प्रदेश और इस जिले की जो स्थिति है उस पर अपने विचारों को रखते हुए कल सीवान जिले की जनता से आदरणीय अमित शाह जी एनडीए प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी बनाने का आग्रह करने के लिए अपील करने के लिए आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सीवान से जनता दल यू की प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह जी हैं और महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। श्रीमती कविता सिंह और श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को सीवान और महाराजगंज की जनता लोकसभा 2019 की चुनाव में विजयी बनाए, इसका अपील आग्रह करने कल अमित शाह जी आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीवान की धरती पर पधार रहे हैं तो सीवान के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का वातावरण बना है। इस चुनाव के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त ऊर्जा देने का काम करेगा, अतिरिक्त उत्साह देने का काम करेगा और कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उनके आने के कारण जो अतिरिक्त ऊर्जा अतिरिक्त उत्साह भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा उसका प्रतिफल चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से कल से भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता जब अधिक उत्साहित होकर मैदान में चुनाव के दिन की तैयारी के लिए लगेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चुनाव का जो प्रतिफल होगा वह 2014 के चुनाव से भी बेहतर होगा। जनता और ज्यादा समर्थन हमको और हमारे गठबंधन को देगी और एक बड़े अंतर से एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम सीवान और महाराजगंज की जनता करेगी। आज बिहार के अंदर जो तथाकथित महामिलावटी गठबंधन के लोग राजनीति कर रहे हैं उस पर भी कल करारा प्रहार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा होगा और किस प्रकार से ऐसे दल जिनकी संख्या इतनी भी नहीं। सभी खबरों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।